बिहार के पूर्व स्वास्थ्य और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मुंगेर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। नरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पर देवघर में एक जमीन के 5 करोड़ के सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है। गिरोह के लोगों पर जनता दल यू की सांसद राजीव रंजन सिंह के पीए बनकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। जमानत मिलने के बाद पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उन्हें फंसाया गया। कोर्ट ने उचित समझा मुझको, इनको बेल मिलना चाहिए, मुझे अग्रिम बेल हाईकोर्ट ने ग्रांट किया। फिर जो प्रक्रिया है नीचे के कोर्ट में आके, जिस कोर्ट में मुकदमा है वहाँ हम खड़े हुए, वहाँ से बेल रेगुलराइज हो गया। क्या लगता है इसमें राजनीतिक कुछ आपको फंसाने का कोई अधिकार? याद से है ये मामला, एक तो बहुत पुराना है, राजनीति ही है खुला है। और न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि इनके खिलाफ में कोई आरोप नहीं बनता है, इसलिए इनको जमानत दिया। अकॉर्डिंगली आज हम लोग CGM साहब के यहाँ उपस्थित हुए हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। क्या मामला, क्या कर संक्षेप में? वह एक राजनीति